जौनपुर जनपद में बदलापुर के अंतर्गत कल हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लोहिंदा चौराहे पर जाम लगा दिया। यहां मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी बदलापुर अंजनी कुमार सिंह के आश्वासन पर 3 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के बटौली गांव में बीते मंगलवार को दलितों के बीच जमीनी विवाद में हुई मारपीट में घायल रामजीत गौतम की देर शाम मौत हो गई थी। 2 दिन बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने लोहिंदा चौराहे पर पहुंचकर सबको बीच सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक बदलापुर महेंद्र सिंह राणा ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी तक सड़क पर धरना देने की बात पर अड़े रहे। लोग उप जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने रास्ते के विवाद को हल करने का आश्वासन देने के साथ हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया, जिस पर लगभग 3 घंटे बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। नहीं साहब, वो लोग मार के चूले थे, एक बार मान लिए थे, गांव में पंचायत हुई, प्रधान भी आए। सर विधि है ना, आपको भी पता है कि बंजर जो है वो आप ही लोग की जमीन है, मतलब सरकार का कहना है कि हम कहीं बाहर से कोई जमीन ला के रखा नहीं गया है, जब तक बंदी होता है तो आप ही लोग की जमीन काट के बंजर जमीन पड़ती है, सब निकाली जाती है। तो बंजर पूरे गाँव वालों का उन्हीं के खेत में बंजर है। अरे खेत बंजर है तो बंजर अलग हो जाएगा ना, अलग सामने वो लोग मान लिए थे। हाँ ठीक है, अब हम लोग 15,000 रुपए देने के लिए तैयार थे और जितनी जमीन दे रहे थे कोई पैसा देगा, लेकिन तब हम बंजर पे